Chief Justice Sri Anil Rajput, the SHO, Station House Officer, BW Police Station, who has graciously accepted our invitation and is here to witness the annual sports meet 2022-2023. We also extend our hearty welcome to our school manager, Reverend Sister Thelma, our principal, Reverend Sister Rekha, our vice principal, Reverend Sister Angel, and all the other dignitaries. Let's give them a huge round of applause. I come before you today. Thank you.
Hartford, Desi Chu, to light the torch to make this an event painting. Khwab dekhna aur jut jana, humne khelo se hi sikha hai. Asambhav ko sambhav banana, humne khelo se hi sikha hai. Milkar prayas karna, asman mutthi mein le aana. Jit karna aur jeet jana, humne khelo se hi sikha hai. Now the torch is handed over to Himang Tongar, the head of the house captain, who showcases the best example of motivating the good talents of young sports minds and is exploring to the fullest. Finally, the torch is handed over to the PTs who will be placing it as we begin our most awaited annual sports meet 2022-2023. The synchronized swings of arms and the sound of thudding feet stir something within us. Let's be the witness of this proud moment. Our judges for today are Mary Kuti Ma'am, Deepika Ma'am, Monica Ma'am, Deepa Joshi Ma'am, and Pinky Roy Ma'am. So now we begin with the ceremonial march past. नजरिया बदलो नजारे बदल जाएंगे. जरूरत नहीं है तुम्हें कश्ती बदलने की यारो, कश्ती का रुख बदलो किनारे बदल जाएंगे. To embrace this moment, we bring you a breathtaking, mesmerizing performance. Let's welcome them with a huge round of applause. Da
possible. Today, we are privileged to have such a great personality admit us as in the person of the Honorable Chief Guest, Sri Anil Rajpool, the SHO. On behalf of all gathered here, we welcome you, sir, and request you to please come on the stage and share your enriching thoughts. कॉलेज के प्रिंसिपल और यहाँ के अन्य स्टाफ और जिन्होंने मुझको बुलाया उनको सभी को मेरा धन्यवाद शुक्रिया। मैं पुलिस स्टेशन बीकानेर में सचिव हूँ, पिछले एक वर्ष से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने पर, बच्चों को देखकर एक बहुत अच्छी खुशी हुई, क्योंकि हम लोगों की जो लाइफ है थोड़ा बिजी लाइफ है, इन चीज़ों को नहीं ज़्यादा देख पाते हैं। और अपनी जो जब हम बच्चे थे, हम भी जब पढ़ते थे, तो वो सब आपको देखते एकदम से याद आ गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आप लोगों के डिसिप्लिन से, आप लोगों ने जो यहाँ सम्मान दिया, हम लोगों को बुलाया और एक स्टार्ट से अब तक बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा लगा। मेरे द्वारा पुलिस विभाग में लगभग बस 12 साल से मैं काम कर रहा हूँ। बहुत केस ऐसे आए जो बच्चों के भी केस थे, स्टूडेंट के केस थे, जिनको मैंने वर्कआउट किया। और एक हाल ही में मैंने जो अभी मैम ने यहाँ बोला था, एक हाल ही में केस था, एक 5 क्लास का स्टूडेंट था हर्ष, जो आपके इधर लुक्सर गाँव का रहने वाला था, तो उसको किडनैपरों ने किडनैप किया। और बड़ा अच्छा केस था, तो उसमें मैंने उसको बचाया था सब कुछ। और एक स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट था, उसके केस को मैंने खोला था। एक बच्चा था लगभग 3 इयर्स का, इसी आपकी गामा की तरफ का, उसको एक किडनैपर बुलंदशहर ले गया था, उसको भी हमने रिकवर किया था सब कुछ। तो मैं आपको इन चीज़ों के लिए पुलिस ऑफिसर के हिसाब से बच्चों को यही बताना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा आजकल के जो वातावरण से हो रही सजग रहिए। 112 पुलिस की हेल्पलाइन है, आप कहीं भी हैं, आपको आपके घर में या कहीं जाना जाने में या बस में हैं, या आपने छोटे बच्चे मोबाइल नहीं होंगे, बट जो बस का ड्राइवर है या कुछ ऐसा रास्ते में अचानक हो जाता है, तो आप पुलिस की 112 की सेवा को ले सकते हैं। लड़कियों के लिए, अगर लड़कियों को कोई समस्या आती है, कोई परेशान करता है, तो 1090 की एक सेवा है जो जिसमें आपकी कंप्लेन को ऐड रखा जाता है और आप अपनी कंप्लेन बता सकते हैं। ट्रैफिक में जब भी आप रोड पर चलें, तो थोड़ा ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं और आपके अगर फादर या मदर कुछ भी ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आप छोटे हैं, अगर वो कुछ गलती करते हैं, आप उनको बताइए कि सर ने बोला था कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं। तो ट्रैफिक रूल्स अगर आप फॉलो करेंगे, और तो सभी के लिए अच्छा होगा। बाकी पुलिस के बिहाफ से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में ढालनी पड़ेंगी। और एक डिसिप्लिन एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप अपने घर में हैं तो डिसिप्लिन में रहें, स्कूल में तो डिसिप्लिन में, और आगे भविष्य में भी जब आप एक अच्छे इंसान बने, आप एक मेरी तरह या मुझसे भी अच्छे बड़े ऑफिसर बने, तो डिसिप्लिन में आप रहेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा आपके लिए। बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मैं अपनी बात को यहीं से विराम देना चाहता हूँ, और बहुत खुशी हुई, चाहता हूँ कि हर साल आपसे मिले। हाँ, एक चीज़ है, आज जो एनुअल स्पोर्ट मीट है, स्पोर्ट जो गेम है, एक हर स्टूडेंट की लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ गेम भी होना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो
गेम है वो जो खेल है वो उनको स्वस्थ रखते हैं। तो हर बच्चे को पढ़ने के साथ साथ गेम को भी खेलना चाहिए और अपने स्कूल में या घर पे जो भी समय आपको मिलता है आप जरूर गेम खेलिए, जिससे आप स्वस्थ रहें। गेम खेलने से काफ़ी आप पता चले कि आप पढ़ाई की स्ट्रेस में है और अचानक ही फिर थोड़ा आपको अगर कुछ खेलने मिल जाए तो एकदम से सब ठीक हो जाता है और एकदम से आप फिर अपने उसी उसमें आ जाते हैं। तो गेम के लिए अच्छा खेलिए और आगे बढ़िए, मेरी आपको यही शुभकामनाएं हैं। और अच्छा पढ़िए और अपने माँ बाप का कहना मानिए और डिसिप्लिन। थैंक यू, धन्यवाद। The SHO, Sri Anil Rajput, the Principal, Reverend Sister Rekha, to declare the annual sports meet 2022-23 open by cutting the ribbon of good luck to new beginnings and exploring new talents. The annual sports meet 2022-2023 of First Line Convent Senior Secondary School open. You hi nahi milti raahi ko milti, ek junoon sa dil mein jagana hota hai. Poocha chidiya se kaise bana aashiyana tera, boli bharni padti hai uraan baar baar, tinka tinka uthana padta hai. Good morning all the dignitaries and dear students. Today I feel honored to share with you all a proud moment when the pleasant morning of 3rd November 2022 brought the news of our student Anjali Sinha's tremendous achievement of her securing a position in the essay writing competition conducted by the CBSE in collaboration with the Central Vigilance Commission. The topic for essay writing was Bhrashtachar Mukt Bharat, Viksit Bharat. The competition was organized in CBSE affiliated schools all over the country and around 7.65 lakh students participated in it. It was a proud moment that Anjali Sinha's name was listed among best 5 entries of the country. And she received a memento and a certificate from our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. I must say, she's not only the pride of her parents and teachers, but also of the whole nation. I, on behalf of the whole Erskine family, congratulate her for her remarkable achievement and wish her all the success in life. I request our Honorable Chief Guest, Shri Anil Rajput, the SHO, to kindly come forward and honor Anjali Sinha for her achievement. Thank you, sir. The honor given by you is a motivation for her to achieve more in life. In the words of Tim Nukin, hard work beats talent when talent doesn't work hard. I take great pleasure to announce that students of First Line not only excel in academics, but also bring laurels in the field of sports. Here, I like to announce the name of our robust star, Augustine Ravi of Class 7A, who is a go-kart racer and has won the third position in the first national championship in Meritus Cup held at Bengaluru and second in the second finishing. Overall, second in the championship race of 2022. He's awaiting the best performance in coming Rotax Max National Championships to represent India in Portugal. I feel proud to say
that he is the only one in his category from Delhi NCR in India. We wish him good luck and abundant blessings of God. I request our Honorable Chief Guest, Shri Anil Rajput, the SHO, to kindly honor Augustine Bobby. Thank you, sir. The names of our sports stars, Shivam Rawat of Class 10C and Priyank Tongar of Class 10D, who have been awarded with full scholarship for sports by Bhaichung Bhutia Football School. They both are also selected for Youth League and Noida Football Club. I would like to mention that Priyank Tongar has been awarded many a times as the best goalkeeper. He is also awarded with the Golden Boot. Now again, I request our Honorable Chief Guest, Shri Anil Rajput, the SHO, to kindly give away the trophy to the sports stars of our school. Thank you, sir. At last, I want to quote the words of Les Brown: "The harder the battle, the sweeter the victory." So dear students, work hard and enjoy your victory. Thank you. Thank you, sir, and thank you, sister. Now I request our respected principal, Reverend Sister Rekha, to present our venerated chief guest with a memento and a gift as an expression of her gratitude and inexpressible bond with him. We thank you, sir, for giving your precious time to us and for your contribution in making this program more beautiful by your gracious presence. Once again, we would like to thank you, sir, and thank you, sister. Thank you.
the preservation of body, for the preservation of family and friends. So here are the Asliners, are ready to show the performance full of energy and stamina. Oh, 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 oh